हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अपन न्यू चैप्टर, चैप्टर सेकेंड इन ज्योग्राफी. नेम इज़ इंटीरियर ऑफ द अर्थ. इंटीरियर ऑफ द अर्थ मीन्स पृथ्वी की आंतरिक संरचना, मतलब पृथ्वी के आंतरिक भाग में या इंटरनल पोर्शन में क्या है, या अर्थ हमारी जो इंटरनल है वो कैसे दिखाई देती है. सो इंटीरियर ऑफ द अर्थ. The interior of the earth is also a dynamic one like its surface and is made up of rocks. These rocks are formed in layers once upon another and exert enormous downwards pressure. There is a great heat in the interior of the earth. The pressure and heat एक्ट टुगेदर टू कीप द इंटीरियर इन अ डायनामिक स्टेट. जो जो पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है या जो आंतरिक सतह है वो चट्टानों से बनी हुई है. अर्थ ऑल्सो अ डायनेमिक वन लाइक, मतलब एक डायनेमिक बात है ये कि किस तरीके से बनती है, क्या होती है, और ये कैसे ये जो लेयर्स हैं, जो रॉक्स की जो लेयर चट्टानों की जो पड़ते हैं वो किस तरीके से बनती हैं, ये सब किस प्रेशर के कारण होता है, किस दबाव के कारण होता है, ये सब हमें इसमें पता चलेगा. देयर इज अ ग्रेट हीट इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ. और जो अर्थ है, जो पृथ्वी है, उसके अंदर बहुत अधिक मात्रा में गर्म है, या बहुत ज़्यादा इसके अंदर हीट है, गर्माहट भरी हुई है. ओके, सो द प्रेशर एंड हीट एक्ट टुगेदर टू कीप द इंटीरियर इन अ डायनामिक स्टेट. और जो पृथ्वी के अंदर जो दबाव है, जो प्रेशर है, और जो हीट है, जो गर्माहट है, वो एक साथ काम करते हैं और एक उसको डायनामिक स्टेट में पृथ्वी को पहुंचा देते हैं. सो हाउ डू वी नो अबाउट द अर्थ इंटीरियर. हमें कैसे अर्थ के इंटीरियर या आंतरिक भागों के बारे में कैसे पता चलेगा कि अर्थ के अंदर क्या चल रहा है. सो लेट्स सी. It is not possible to understand direct study about the interior of the earth. Thus, most of our knowledge about the structure and the interior of the earth is based on the behavior of seismic or earthquake waves. ये संभव नहीं है कि हम डायरेक्टली अर्थ के इंटीरियर के बारे में और आंतरिक संरचना के बारे में जान लें. इन पर हमें जो ज़्यादातर इसका जो ज्ञान है, जो जानकारी है, वो पृथ्वी के अंदर क्या चल रहा है या उसका पृथ्वी के अंदर आंतरिक व्यवहार किस तरीके से हो कर रही है, वो हमें कुछ वेव्स से पता चलता है. दैट इज़ कॉल्ड सेस्मिक वेव्स और अर्थक्विक वेव, जिन्हें हम भूकंपीय तरंगे भी कहते हैं. द अर्थक्विक वेव्स आर जनरेटेड इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ. जो अर्थक्विक वेव्स होती हैं, जो तरंगे होती हैं, वो इसके आंतरिक भाग में उत्पन्न, जनरेटेड मींस उत्पन्न होती हैं. दे ट्रेवल टू द सरफेस एट डिफरेंट स्पीड, और वो सभी सतहों पर अलग अलग गति से चलती हैं. दे टेल अस द वेदर द इंटीरियर इन कॉन्स्टिट्यूट ऑफ सॉलिड और लिक्विड. ये हमें मतलब पृथ्वी के आंतरिक भाग में किस तरीके का वेदर है, क्या वहाँ चल रहा है, क्या लिक्विड बन रहा है, क्या सॉलिड बन रहा है, ये पता चलता है. बिकॉज एस वेव्स और सरफेस वेव्स आर नॉट ट्रांसमिटेड थ्रू लिक्विड, क्योंकि जो सिस्मेटिक वेव्स होती हैं, सरफेस वेव्स जो होती हैं, वो लिक्विड में ट्रांसमिट नहीं होती है. मोर एवर वॉल्केनो एंड अर्थक्वेक्स थ्रो अप मटेरियल्स फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ द अर्थ टू द सरफेस. इसी तरह वॉल्केनो मतलब ज्वालामुखी और भूकंप के आने से जो इंटरनल मटेरियल है वो पृथ्वी की बाहरी सतह पर आ जाता है. ऑन द बेसिस ऑफ इन लॉज ऑफ केमिस्ट्री एंड फिजिक्स, कुछ केमिस्ट्री और फिजिक्स के कुछ निश्चित नियम है, जिसमें साइंटिस्ट हैव इस्टेब्लिश दैट द इंटीरियर ऑफ द अर्थ इज मेड अप ऑफ रॉक्स इज सॉलिड एंड लिक्विड फॉर्म. तो साइंटिस्ट ने जो हमें बताया है कि जो पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना होती है वो चट्टानों और कुछ सॉलिड और लिक्विड मटेरियल से बनी हुई है. कुछ लिक्विड फॉर्म में है, कुछ सॉलिड फॉर्म में है. स्ट्रक्चर ऑन द बेसिस ऑफ ठीक है, अब हम इसके स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे. ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज द इंटीरियर ऑफ द अर्थ इज डिवाइडेड इनटू थ्री मेन लेयर्स, क्रस्ट, मेंटल एंड कोर. अगर हम इसकी प्रॉपर्टीज़ की या इसके गुणों की बात करें, तो इसको तीन, पृथ्वी की आंतरिक संरचना को या इंटरनल स्ट्रक्चर को हम तीन पार्ट्स में बांट सकते हैं. फर्स्ट इज क्रस्ट, सेकेंड इज मेंटल
एंड थर्ड इज कोर। ठीक है, सॉलिड आउटर सेल ऑफ अर्थ इज कॉल्ड क्रस्ट। ये जो आउटर क्रस्ट है, ये जो सॉलिड आउटर क्रस्ट है, ये क्या कहला रही है? क्रस्ट कहला रही है। ठीक है, ये बहुत ही पतली लेयर है और इसकी जो थिकनेस है वो अबाउट 5 to 40 किलोमीटर प्लेन्स में है। कितनी है? जिसकी जो थिकनेस है जो ये क्रस्ट की जो थिकनेस है वो अर्थ कहाँ पर है? अबाउट 5 किलोमीटर अंडर द ओशियन, समुद्र में ये इसकी थिकनेस है 5 किलोमीटर के आसपास, और प्लेन्स में जो इसकी थिकनेस है वो है 40 किलोमीटर के आसपास। और जैसे गंगा के प्लेन देखें या माउंटेन्स देखें तो वहाँ पे आल्प्स माउंटेन है या हिमालय माउंटेन है, वहाँ पर ये इनकी थिकनेस 50 to 80 किलोमीटर तक हो जाती है। ओके, द क्रस्ट कैन बी ब्रॉडली डिवाइडेड इंटू कॉन्टिनेंटल लैंड मास एंड ओशियन फ्लोर। देखिए आप यहाँ देखेंगे जो ये वाला पार्ट है, ये पूरा क्रस्ट है, ये जो है ये क्रस्ट है ना, और क्रस्ट दो भागों में यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, एक हो रहा है ओशियनिक क्रस्ट और दूसरा हो रहा है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। दिखाई दे रहा है ना आपको, ये लिखा हुआ है यहाँ पे, ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और यहाँ मैंने आपको जो ये एरो बनाया है ये बता रहा है आपको ओशियनिक क्रस्ट। तो दो तरीके से ये डिवाइडेड है। द मेन मिनरल कॉन्स्टिट्यूट ऑन द ऑफ द कॉन्टिनेंटल लैंड मास आर सिलिका एंड एल्यूमिना। ठीक है, तो ये जो क्रस्ट है, ये जो क्रस्ट है ये दो चीज़ों से मिलकर के बना हुआ होता है। वो क्या क्या है वो मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पर इसके अलावा एक चीज़ और बताऊँ, जो इसकी एक्सटर्नल लेयर है जो पृथ्वी की, ये जो अर्थ की, वो कहलाती है, यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ, लिथोस्फीयर। क्या कहलाती है? ये जो है इसे हम क्या कह रहे हैं, ये जो लिथोस्फीयर है ना, और इस लिथोस्फीयर पर ही जो आउटर पार्ट जो अर्थ लेयर है जो अर्थ की, वो कहलाती है लिथोस्फीयर, और जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं और ये जो लाइव पार्ट जो है वो यहीं पे है। और लिथोस्फीयर पर फिर दो क्रस्ट के दो भाग पाए जा रहे हैं, एक है ये आप एरो देख रहे हैं कॉन्टिनेंटल क्रस्ट कह रहे हैं हम इसे, और इसे हम ओशियनिक क्रस्ट कह रहे हैं। इनकी थिकनेस अलग अलग होती है। अब हम बात कर रहे हैं द मेन मिनरल कॉन्स्टिट्यूट ऑफ द कॉन्टिनेंटल लैंड मास। जो कॉन्टिनेंटल लैंड मास है, मतलब जो ये वाला भाग जो है वो किस चीज़ से बना होता है बेसिकली, जो क्रस्ट है वो बना होता है जो आपको दिख रहा है ये है सिलिका प्लस एल्यूमिनिया, और इसको मिलाकर हमको कह रहे हैं सियाल। क्या कह रहे हैं? सियाल। ठीक है, सिलिका और एल्यूमिनिया से बना हुआ है, और इसको जोड़कर हम देखते हैं तो Si4 सिलिका होता है और Al4 एल्यूमिनियम होता है, उसको मिला करके बोलते हैं सियाल। अब हम यहाँ पर हमें होता है, अब अगर हम ये ओशियनिक क्रस्ट की बात कर रहे हैं तो फिर यहाँ पर जो ओशियनिक क्रस्ट है वहाँ फिर इसका जो कॉम्बिनेशन है वो कॉन्स्टिट्यूएंट है जो वो अलग हो जाता है, इट्स कॉल्ड सीमा। यहाँ पे क्या हो जाता है? सीमा, SiMa। ठीक है, Si या Si4 है सिलिका और Ma4 है मैग्नीशियम। ठीक है, तो ये सिलिका और मैग्नीशियम से मिलकर बना होता है तो इसको हम कहते हैं सीमा। तो ओशियनिक क्रस्ट जो है वहाँ पर क्या पाया जा रहा है? सिलिका और मैग्नीशियम। अब अगर हम इसके बिल्कुल इनर कोर की बात करते हैं, अर्थ के ये इनर कोर की बात करते हैं इसकी, तो ये भी एक अलग चीज़ से बना था, इसको हम कहते हैं नीफे। क्या कहते हैं? नीफे। इंटरनल जो इनर मोस्ट कोर ऑफ द अर्थ है, जो इनर मोस्ट कोर ऑफ द अर्थ क्या है? ये वाला पार्ट।
ठीक है ना, ये किसका बना हुआ है, इट्स कॉल्ड नीफे, NIFE, ठीक है ना, ये किसका बना हुआ है, NI, जो इनर मोस्ट आपको ये दिखाई दे रहा है, ये किसका बना हुआ है, NIFE, यहाँ NI मतलब है अगेन, ठीक है, NI और FA, ठीक है, इसको भी हम धात्विक या मेटलिक कोर भी कह सकते हैं हम इसको, तो यहाँ पे आयरन और निखिल और आयरन से मिलकर के ये बना हुआ था, इसलिए हम इसको कहते हैं नीफे। तीन पार्ट है, सियाल, सीमा और नीफे, ठीक है, तो तीन पार्ट इसमें पाए जाते हैं, सियाल, सीमा और नीफे। इसमें नीफे में निखिल, NI निखिल है, और फेरस बोल रहे हैं हम इसको, फेरियम मतलब ये आयरन लोहे का एक तरीके से अयस्क है, ठीक है, ये तीन मार्ग। अब हम आ जाते हैं मेंटल पे, बिलो द क्रस्ट, बिलो द क्रस्ट, जो क्रस्ट के जो नीचे वाले भाग की हम बात करते हैं, लाइज द मेंटल विच एक्सटेंड टू द डेप्थ ऑफ 29 किलोमीटर। अगर हम क्रस्ट के नीचे बात करते हैं तो ये इसके और इसके बीच में ये है मेंटल, क्या है ये मेंटल, है ना, और ये भी इसकी जो डेप्थ या जो इसकी गहराई है वो लगभग 2900 किलोमीटर होती है। द मेंटल इज़ डिवाइडेड इंटू टू पार्ट्स, अपर एंड लोअर मेंटल, ठीक है, ये भी दो पार्टों में डिवाइड होता है, अपर मेंटल और लोअर मेंटल, ठीक है, और वाइल द अपर मेंटल इज इन सॉलिड स्टेट, द लोअर मेंटल इज इन सेमी मोल्टन कंडीशन। जो अपर मेंटल होता है वो हमेशा सॉलिड स्टेट में होता है, और जो जो लोअर मेंटल होता है वो सेमी मोल्टन कंडीशन में होता है। सेमी मोल्टन मतलब अध जमा हुआ जिसे बोल सकते हैं, एक देखता है जमी हुई अवस्था, और एक में कहीं जमा है और कहीं नहीं जमा है, तो पूरी तरीके से जो ना जमा हो उसको सेमी मोल्टन हम कह सकते हैं। ओके, सो नेक्स्ट, अब हम आते हैं कोर, ठीक है, कोर क्या है, अब आपको दिखाई दे रहा होगा इन स्ट्रक्चर्स में कोर, ठीक है, ये दिखाई दे रहा है कोर, क्या पढ़ रहे हैं हम अभी, कोर, कोर लाइज बिलो द मेंटल, ये मेंटल के नीचे होता है, इट एक्सटेंडेड टू अ डेप्थ ऑफ अबाउट 3500 किलोमीटर टू 5500 किलोमीटर, ये 3500 से 5000 किलोमीटर तक के बीच में फैला हुआ होता है। इट इज़ आल्सो डिवाइडेड इनटू टू सेक्शंस, दो पार्ट में है, आउटर कोर और इनर कोर। द आउटर कोर इज़ इन लिक्विड स्टेट एंड सेड टू बी इन मोशन, ये जो लिक्विड स्टेट में होता है इनर कोर जो होता है, और ये इसमें गति होती रहती है इस लिक्विड में। द मोशन इज जनरेटेड बाय डिफरेंट डिफरेंसेस इन हीट, और जो ये मोशन या इसमें जो घूमता रहता है, ये इधर से उधर मतलब लिक्विड फैलता चलता रहता है, ये जो इसमें हीट है, जो इंटरनल हीट है जनरेट होती है, उसके कारण ये ऐसा होता है। अब हम आते हैं बाउंड्री जोन, बाउंड्री जोन क्या चीज़ें होती हैं, देखिए ईच ये आ जाते हैं हम बाउंड्री जोन पे क्या होते हैं। ईच ऑफ द लेयर इज सेपरेटेड फ्रॉम द अदर बाय अ वाइड बाउंड्री जोन विच हैज़ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बोथ द अपर एंड लोअर पार्ट्स, जो हर एक जोन है यहाँ पर एक बाउंड्री के द्वारा डिवाइड होता है। यहाँ आप देख रहे हैं, ये देखेंगे आप, हर एक जोन एक बाउंड्री के द्वारा डिवाइड होता है, और जो ये बाउंड्री होती है वो उसमें अपर लेयर के और लोअर पार्ट्स के दोनों के ही कैरेक्टरिस्टिक या लक्षण पाए जाते हैं। द बाउंड्री दैट सेपरेट द क्रस्ट फ्रॉम द मेंटल इज कॉल्ड द मोनो
डिसकंटिन्यूटी, मोहो डिसकंटिन्यूटी, जो ये क्रस्ट और मेंटल के बीच में जो बाउंड्री जो दोनों को अलग करती है, इसे हम कहते हैं मोहो डिसकंटिन्यूटी। इट वॉज डिस्कवर्ड बाय अ जियोलॉजिस्ट नेम्ड आंद्रजिया मोहोरोविक। ओके, ये भूवैज्ञानिक रहे हैं, जियोलॉजिस्ट रहे हैं, जिनका नाम आंद्रजिया मोहोरोविक है, उनके नाम पर इस जो बाउंड्री है उसको हमने मोहो डिसकंटिन्यूटी बोला है। बिटवीन द कोर एंड द मेंटल इज नोन एज द कोर मेंटल इंटरफेस। जो कोर और मेंटल के बीच की, जो कोर और जो मेंटल के बीच की जगह है उसको हम कह रहे हैं इंटरफेस, जो मिल रहा उसी को हम कह रहे हैं मोहो डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, अब हम आगे के पार्ट में देख रहे हैं रॉक्स एंड मिनरल्स। क्या देख रहे हैं हम? रॉक्स एंड मिनरल्स। रॉक्स मीन्स होता है चट्टाने और मिनरल्स मीन्स होता है खनिज। द लिथोस्फीयर कंसिस्ट ऑफ रॉक्स। लिथोस इज अ ग्रीक वर्ड विच मीन्स रॉक्स। रॉक्स आर मेड अप ऑफ मिनरल्स। लिथोस्फीयर का जो अगर हम ग्रीक भाषा में वर्ड निकालें तो लिथो का मतलब होता है रॉक्स या चट्टाने, जहाँ पे चट्टाने पाई जाती हैं, और ये जो चट्टाने हैं वो कई खनिजों से मिलकर के बनी, मिनरल्स से मिलकर के बनी होती। दिस इज बिकॉज रॉक्स आर कॉन्स्टेंटली बींग मेड एंड डिस्ट्रॉयड बाय नेचर इट्सेल्फ। ये जो चट्टाने होती हैं वो नेचर के द्वारा टूट भी जाती हैं और स्वयं से बनती हैं, प्राकृतिक प्रक्रिया है ये पूरी। रॉक इज डिफाइंड एज द नेचुरल सॉलिड मटेरियल विच फ्रॉम द क्रस्ट ऑफ द अर्थ। ये एक प्राकृतिक मटेरियल है एक तरीके से, जो अर्थ के क्रस्ट से आता है। रॉक और डू नॉट हैव अ डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन। जो चट्टाने होती हैं उनका कोई एक रासायनिक, निश्चित रासायनिक संगठन नहीं होता है। दे मे बी हार्ड लाइक ग्रेनाइट और सॉफ्ट लाइक क्ले। ये ग्रेनाइट की तरह कठोर या हार्ड भी हो सकती है और मिट्टी या क्ले की तरह सॉफ्ट भी हो सकती है। द हार्डनेस कलर एंड रिजिडिटी डिपेंड ऑन द मिनरल कंटेंट ऑफ द रॉक। कितना कठोर है, उसका क्या रंग होगा, कितना सख्त होगा, ये सब उसका जो केमिकल फॉर्मूला है हर एक चट्टान का अलग अलग होता है और ये सब उस पर निर्भर करता है। द फॉलोइंग टेबल डिपिक्ट द कंपैरिजन बिटवीन रॉक्स एंड मिनरल्स। जो जो नीचे टेबल आपको दी गई है ये रॉक्स और मिनरल्स में हमको डिफ्रेंशिएट कर रही है। नंबर, रॉक इज एन एग्रीग्रेट ऑफ मिनरल्स। ये जो एक औसत मिनरल्स का एक औसत पार्ट है चट्टाने। अ मिनरल कंटेन ओनली वन ओर ऑन हैज़ एटॉमिक स्ट्रक्चर। जबकि जो मिनरल्स होते हैं उनमें केवल एक ही ओर पाया जाता है और उनका एक एटॉमिक स्ट्रक्चर होता है। अ रॉक इज नेचुरल एंड सॉलिड मटेरियल फॉर्मिंग द अर्थ। एक रॉक जो है एक प्राकृतिक और एक हार्ड सॉलिड मतलब कठोर मटेरियल पदार्थ है एक तरीके का, जो अर्थ पर बना है। अ मिनरल इज ए नेचुरल इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स फाउंड इन रॉक्स। और जो मिनरल है वो अकार्बनिक कंपाउंड्स हैं जो कि चट्टानों में पाए जाते हैं। रॉक्स आर चीफली ऑफ थ्री टाइप्स। ये मुख्यतः तीन तरह की होती हैं चट्टाने। और जो मिनरल्स हैं, देर आर अबाउट 2000 टाइप्स ऑफ नॉन मिनरल्स। और लगभग 2000 तरह के जो मिनरल्स हैं वो अभी तक पहचाने जा चुके हैं। और फोर्थ पॉइंट इज अ रॉक हैज़ नो डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन। चट्टानों का कोई निश्चित रासायनिक संगठन या फॉर्मूला नहीं होता है। दिस कैन वेरी फ्रॉम स्पेसिमेंस फाउंड एट वन प्लेस टू दोज फाउंड एट अनदर प्लेस। ये अलग अलग पाए जाने वाले स्थान के आधार पर अलग अलग होती हैं। अ मिनरल हैज़ अ डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन। जबकि जो मिनरल्स होते हैं, जो खनिज होते हैं, इनका एक निश्चित रासायनिक संगठन होता है। मिनरल्स कैन बी डिवाइड इन टू कैटेगरीज, मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक मिनरल्स। जो मिनरल्स हैं उनको दो पार्ट में या दो भागों में, दो कैटेगरी में डिवाइड किया जा सकता है, बांटा जा सकता है। फर्स्ट इज मेटेलिक मिनरल एंड सेकेंड इज नॉन मेटेलिक मिनरल। तो फर्स्ट वी नो दैट अबाउट मेटेलिक मिनरल। द रॉक्स विच आर रिच इन मेटल्स आर नोन एज ओर्स। ऐसे चट्टाने
जहाँ पर मिनरल्स रिच मेटल्स जहाँ पाई जाती हैं, जहाँ धातुएं ज़्यादा पाई जाती हैं, उन्हें ओर्स कहते हैं। ओर्स हैव अ टेंडेंसी टू गेट कंसनट्रेट पर्टिकुलरली इन रॉक्स। इट इज़ बिकॉज व्हेन मैग्मा कम्स इन कॉन्टैक्ट विथ वाटर इट डिज़ोल्व द मेटल रिच मिनरल्स। जब जो मैग्मा है वो पानी के संपर्क में आता है तो ये रिच जो मेटल जो है वो रिच मिनरल्स के मेटल में बदल जाती है, डिज़ोल्व द मेटल रिच मिनरल्स, और जो मेटल या धातु है वो अच्छे खनिजों में बदल जाती है। द सोल्यूशन इज़ लीस्ट लीडिंग टू कंसनट्रेट ऑफ मेटलिक मिनरल्स एट अ सर्टन प्लेस। माइंस आर देयर फोर, जो ये जो सोल्यूशन है या जो संगठन जो ये विलयन है ये जो कंस सांद्र होता जाता है और मेटलिक मिनरल्स उस प्लेस पर निश्चित प्लेस पर मिलते हैं। माइंस आर देयर फोर सिटेड वेयर लार्ज कंसनट्रेशन ऑफ मेटलिक मिनरल्स आर फाउंड। ये खदानों में पाए जाते हैं। सम ऑफ इम्पॉर्टेंट मेटलिक मिनरल्स आर आयरन, जिससे कुछ इम्पॉर्टेंट हम मेटलिक मिनरल्स की या धातु खनिजों की बात करें तो वो होते हैं आयरन, लोहा, गोल्ड, सोना, सिल्वर, चांदी, कॉपर, तांबा, लेड, सीसा, जिंक, मरकरी, प्लेटिनम, ईटीसी। तो इनको हम कहते हैं मेटलिक मिनरल्स, और ये सब जो पृथ्वी के अंदर से आता है। नॉन मेटलिक मिनरल्स आर फाउंड इन द इंटीरियर क्रस्ट विथ सेडिमेंट्री रॉक्स। जो नॉन मेटलिक होते हैं, जो अधातु युक्त होते हैं, जो मिनरल्स जिन्हें बोलते हैं, वो अर्थ के क्रस्ट पर पाए जाते हैं विथ सेडिमेंट्री रॉक्स के साथ। ओनली इनऑर्गेनिक सब्सटेंस हार रिगार्डेड एज मिनरल्स। इसमें कुछ अकार्बनिक तत्व होते हैं जो मिनरल्स होते हैं। However, more for general understanding, salt, clay, coal and petroleum are also included among non-metallic minerals. और non-metallic minerals में हम नमक को, मिट्टी को, कोयले को और पेट्रोलियम को शामिल कर सकते हैं। तो ये है non-metallic minerals। चलिए next slide. अब हम टाइप्स ऑफ रॉक्स पढ़ेंगे यहाँ पे। इग्नियस रॉक, दीज आर कॉल्ड द प्राइमरी रॉक्स बिकॉज दे वर द फर्स्ट टू बी फॉर्म्ड ऑन द अर्थ। ऑल अदर रॉक्स आर अल्टीमेटली डिराइव्ड फ्रॉम देम। इग्नियस रॉक्स को हम प्राइमरी या प्राथमिक चट्टानें भी कहते हैं क्योंकि सबसे पहले इन्हीं का निर्माण हुआ था, यही बनी है। दे आर फॉर्म्ड बाय कूलिंग एंड सॉलिडिफिकेशन ऑफ द मोल्टन मैटर ऑफ द अर्थ। अर्थ का जो मोल्टन या जो पिघला हुआ जो मटेरियल है उसके जमने से, उसके ठंडा होके जमने से, कठोर होने से ये बनी है। और इसलिए जो इग्नियस इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड इग्नेस मीन्स फेयरली, संस्कृत वर्ड इन अग्नि ऑल्सो हैज अ सिमिलर मीनिंग। सो एक जो इग्नियस है इसको लैटिन भाषा के इग्निस वर्ड से लिया गया है, और संस्कृत में अगर हम इसकी बात करें तो इसका मतलब होता है अग्नि, आग से बनी हुई है। ओके सॉरी। देयर आर टू टाइप्स ऑफ इग्नियस रॉक्स, इंट्रूसिव और इग्नियस रॉक्स और एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक। द मदर मैटर नोन एज मैग्मा, इनका जो मात्रात्मक जो सबसे पहला जो मैटर है इसमें जो होता है वो मोल्टन मैटर जो है उसे हम मैग्मा कहते हैं। ड्यूरिंग इट्स मूवमेंट एंटर्स रॉक्स सर्वाइव्स क्रिविक्स एंड कम्स आउट इन अर्थ सरफेस। अब जो ये मोल्टन मटेरियल जो अर्थ के अंदर है वो सरफेस पर जब आ जाता है इट इज़ नोन एज लावा, और इसको हम लावा कहते हैं। जैसे ज्वालामुखी जब फूटता है तो अंदर से एक लिक्विड और बहुत ही गर्म मटेरियल निकलता है, दैट इज़ कॉल्ड लावा। और ये लावा जब जम जाता है, ठंडा हो जाता है और सॉलिड हो जाता है तो रॉक इससे चट्टाने बन जाती हैं, और इसको हम कहते हैं एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। बेसाल्ट इज इन फाइन एग्जांपल ऑफ एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक। जो बेसाल्ट है वो इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है। बेसाल्ट कैसा होता है देखिए, ये जो बेसाल्ट है ये जो है
ये जो बेसाल्ट है ये एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स का सबसे अच्छा एग्जांपल है. ओके अब हम पढ़ते हैं इंट्रूसिव. लाइक ऑल ओवर एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स इट इज़ अ फाइन ग्रेन स्ट्रक्चर बीइंग थर्मल इन ऑरिजन. सॉलिडिफिकेशन मे टेक प्लेस इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ एज वेल. रॉक्स आर फॉर्म्ड आर कॉल्ड इंट्रूसिव इग्नियस. अब कुछ होती हैं आंतरिक आग्नेय चट्टाने. इसका क्या अर्थ है देखिए आप, जो रॉक्स जो होती हैं ऐसे छोटे छोटे कणों में होती हैं और थर्मल इन ओरिजिन, बीइंग थर्मल इन ओरिजिन गर्म होती है. सॉलिडिफिकेशन ये भी जमती रही हैं और जो इंटीरियर ऑफ द अर्थ होता है, जो अर्थ का जो आंतरिक भाग होता है वहाँ से भी ये भी निकलती हैं. सो इनको हम इंट्रूसिव कहते हैं बिकॉज ऑफ स्लो कूलिंग एंड सॉलिडिफिकेशन. इनकी जो ये जो ठंडे होते हैं वो थोड़ी देर से होते हैं और धीरे धीरे कठोर होते हैं. दे हैव लार्ज ग्रेन्स और इनके जो कण हैं वो बड़े बड़े होते हैं. दीज रॉक्स आर ऑल्सो कॉल्ड प्लूटोनिक रॉक्स और इन्हें प्लूटोनिक रॉक्स भी कहा जाता है. दीज रॉक्स आर फॉर वेरियस टाइप्स ऑफ डिपेंडिंग ऑन हाउ एंड व्हेन द मैग्मा सॉलिडिफाइड. और ये चट्टाने कई तरह की होती हैं और ये डिपेंड करता है कि वो जो मैग्मा जो निकला है ये इस बात पर निर्भर करता है कि जो मैग्मा निकला है कि वो कितनी देर में सॉलिड, कितने समय में सॉलिड हुआ है. इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल ऑफ इंट्रूसिव रॉक्स आर ग्रेनाइट एंड गैब्रो. तो इसका जो ग्रेनाइट और गैब्रो जो इसका जैसे कि इंट्रूसिव रॉक्स का उदाहरण है ये ग्रेनाइट है ना. अभी हमने बात करी थी कि एक्सट्रूसिव का एग्जांपल हमने ये बेसाल्ट लिया था और ये ग्रेनाइट है इंट्रूसिव का एग्जांपल. ठीक है अब इनकी आगे हम देख इसका इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस क्या है. दीज रॉक्स सप्लाई वेरियस टाइप ऑफ मिनरल्स. इसमें बहुत सारे मिनरल्स होते हैं. ग्रेनाइट इज़ यूज्ड फॉर हाउस बिल्डिंग एंड आइडल मेकिंग. जो ग्रेनाइट है इसका उपयोग आप इमारतों के निर्माण में, घरों के निर्माण में और मूर्ति बनाने में करते हैं. प्यूमिक स्टोन इज़ यूज टू एब्रेसिव. बेसाल्ट एंड डोलराइट आर यूज फॉर रोड मेकिंग. बेसाल्ट और डोलराइट को सड़क बनाने में काम में लिया जाता है. इसके अलावा ग्रेवस्टोन एंड मोनूमेंट्स आर मेड फ्रॉम द दीज हार्ड वेयरिंग रॉक्स. इन्हीं हार्ड वेयरिंग रॉक्स से मोनूमेंट्स वगैरह भी बनाए जाते हैं. ओके अब हम आ जाते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स पर. दीज रॉक्स आर फाउंड इन वेरियस फॉर्म ऑफ फॉर्म्स एंड आर रिगार्ड एज अर्थ ऑफ आउट मोस्ट क्रस्ट. ये रॉक्स किस तरीके से बनती हैं हम देखते हैं. जब सेडिमेंट्री रॉक्स जो होती हैं वो छोटे छोटे कंकड़ पत्थर जैसे अर्थ आउटर मोस्ट बनता है. एलिमेंट्स ऑफ क्लाइमेट टेम्परेचर जो मौसम जो जलवायु है जो मौसम है ना उसके द्वारा ये बहा कर लाए छोटे छोटे जो रेनफॉल बारिश के द्वारा. एयर ब्रेक्स डाउन द रॉक्स ऑन द सरफेस और हवा के तेज होने से जो जो छोटे छोटे कंकड़ पत्थर होते हैं जो फॉसिल्स होते हैं और या जो बहा कर लाए गए होते हैं उनके द्वारा ये जो जमते चले जाते हैं. कैसे होते जाते हैं जमते चले जाते हैं. ठीक है और जैसे दीज मटेरियल्स रिमूव्ड बाय रिवर विंड एंड ग्लेशियर आर ट्रांसपोर्टेड एंड डिपॉजिट इन डिप्रेशन. ये सब बहा कर लाते हैं और ये सब जमते चले जाते हैं. ओशियन एंड लेक्स लेयर अपॉन लेयर इज द डिपॉजिटेड अवर मिलियंस ऑफ. कई ऐसा नहीं कि ये एक दो दिन में बन जाते हैं. इसके निर्माण में जल की जो इनके बनने में जो जल की प्रमुख भूमिका होती है मुख्य और इसे जमता जाता है. इसमें एक लंबा समय लगता है. दीज लेयर्स आर द कॉम्पैक्टेड और सीमेंटेड ड्यू टू हैवी ओवरलाइंग प्रेशर. और जो एक दूसरे की परत के ऊपर जो के बीच में जो प्रेशर होता है दबाव होता है इस और इसमें बीच में गर्मी होती है उसके कारण ये और ज़्यादा सॉलिड होती जाती हैं और इसीलिए कठोर होती जाती हैं और इसीलिए इनको सेडिमेंट्री रॉक्स या कठोर चट्टान भी हम कह सकते हैं. समटाइम्स द रिमेन ऑफ डेड एनिमल्स एंड प्लांट्स विच गेट
ट्रैप्ड इन द लेयर ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स। कई बार पौधों और जीव जंतु भी इनके बीच में दब जाते हैं और उनका एक डेफिनेट शेप बना रहता है। और लेयर्स ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स आर कॉल्ड फॉसिल्स, और इन्हें हम क्या कहते हैं, जीवाश्म कहते हैं। कोल, ऑयल एंड नेचुरल गैस आर फॉसिल फ्यूल ऑब्टेन फ्रॉम द टाइप्स दिस टाइप ऑफ रॉक्स। जो कोयला है और जो मिट्टी है, ये बलुआ पत्थर चूना जो है, वो इस तरीके की चट्टानों का एक हम एग्ज़ाम्पल इन्हें कह सकते हैं और जो हमें इन्हीं से प्राप्त होता है। लगभग पूरा सरफेस का, पृथ्वी के जो अपर सरफेस जो है, ये जो धरातल हम जिसे बोल सकते हैं, उसका 80% जो है सेडिमेंट्री रॉक से ही बना हुआ है। अब हम कुछ सेडिमेंट्री रॉक्स के यहाँ पे एग्जांपल देखेंगे। रॉक्स आर लाइम स्टोन, सैंड स्टोन, सेल, कॉन्ग्लोमेरेट एंड स्लेट। मेन सेडिमेंट्री रॉक्स लाइक सेल कंटेन ऑयल। सेडिमेंट्री रॉक्स आर वाइड स्प्रेड एंड बिसाइड बीइंग सोर्स ऑफ कोल, पेट्रोलियम एंड गैस ऑल्सो फ्रॉम द सॉइल। ये किस किस का सोर्स है, मैंने आपको बताया भी, मिट्टी, कोयला और पेट्रोलियम, वो सब हमें इनसे रॉक्स से प्राप्त होता है। कैरेक्टरिस्टिक, दीज रॉक्स आर फॉर्म्ड इन अ लेयर और स्ट्रेटा एंड आर देयरफॉर आल्सो कॉल्ड स्ट्रेफाइड रॉक्स। आप यहाँ पे देख रहे हैं, ऊपर हम देखेंगे कि ये जो है जी, इस तरीके की देखिए लेयर, या देखिए ये परत इस तरीके से दिखाई दे रही है ना, स्ट्रेट, तो इसीलिए हम इसे स्ट्रेटा भी कहते हैं। क्या कहते हैं, स्ट्रेटा भी कहते हैं, और स्ट्रेफाइड रॉक्स भी कह सकते हैं हम इनको। बिंग अ सेकेंडरी ओरिजन, दे आर ऑल्सो कॉल्ड सेकेंडरी रॉक्स, चूँकि ये द्वितीय है, दूसरी बार में बनती है, इसलिए हम सेकेंडरी रॉक्स कहते हैं। दे आर मेड ऑफ पर्टिकुलर मैटर, ये पर्टिकुलर मैटर से बनी होती है। द कंसिस्ट ऑफ फॉसिल्स एंड एनिमल प्लांट्स, इसी में फॉसिल्स का यहाँ पे एनिमल और प्लांट्स के जो फॉसिल्स है वो इन्हीं सेल में डेवलप होते हैं। और इसके अलावा रॉक्स बियर मार्क्स ऑफ रिपल्स, वेव्स एंड मर्ड्स, इन पर कई तरह के निशान भी, दबाव के कारण के ऊपर कई तरह के निशान भी पाए जाते हैं। ओके, और अगर हम दे आर सो सॉफ्ट एंड ईजीली इरोडेड, ये थोड़ी सी सॉफ्ट, सॉरी, दे आर नॉन क्रिस्टलाइन रॉक्स, ये नॉन क्रिस्टलाइन रॉक्स होती हैं, सॉफ्ट होती हैं, ईजीली इनको हटाया जा सकता है। दे फॉर्म अबाउट 75% ऑफ अर्थ सरफेस, लगभग 75-80% अर्थ सरफेस पर ये वाली, इन्हें तोड़ा भी जा सकता है, आसानी से पाई जाती है। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस देखें हम तो देयर आर द मेन सोर्स ऑफ कोल एंड मिनरल्स ऑयल, जो कोयला और जो मिनरल खनिज ऑयल है, आयस्क हैं, ऑयल जो हैं वो हमें इन्हीं से मिलते हैं, जैसे कि पेट्रोलियम है। क्ले, सीमेंट, ग्लास एंड सैंड आर मेड फ्रॉम दीज रॉक्स। मिट्टी, सीमेंट और ग्लास और सैंड सब इन्हीं से बनता है। लाइम स्टोन यूज फॉर बिल्डिंग पर्पस, लाइम चूना पत्थर का निर्माण बिल्डिंगों के बनाने में होता है। और मैनी केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स आर ऑप्टेन फ्रॉम दीज रॉक्स कंटेन इन बल्क क्रिस्टाइल पार्टिकल्स, और कई सारे केमिकल और फर्टिलाइजर्स जो हैं वो इनमें रॉक्स में पाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट में देखते हैं हम मेटामॉर्फिक रॉक। द वर्ड मेटामॉर्फिक इन ग्रीक मींस चेंज ऑफ फॉर्म, जो मेटामॉर्फिक का मतलब है वो होता है बदलना या किसी चीज़ में परिवर्तन होना। मेटामॉर्फिक रॉक्स आर एक्चुअली इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक्स विच हैव बीन चेंज ड्यू टू एक्सेसिव हीट एंड प्रेशर इनसाइड द अर्थ। जो मेटामॉर्फिक रॉक है वो बेसिकली इग्नियस रॉक और सेडिमेंट्री रॉक्स में जो हीट इंटरनल अर्थ के जो आंतरिक भाग है वहाँ अत्यधिक हीट के कारण उनमें चेंज होता है, और चेंज होने के बाद में वो मेटामॉर्फिक रॉक्स में कन्वर्ट हो जाती हैं। स्मॉल क्रिस्टल कंबाइन टुगेदर एंड फॉर्म लार्ज क्रिस्टल, जो छोटे छोटे क्रिस्टल्स होते हैं वो जुड़ते जाते हैं और लार्ज बड़े क्रिस्टल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। वेरियस मिनरल्स कंबाइन टू बी फॉर्म अ न्यू मिनरल, और कई तरह के मिनरल्स मिल जाते हैं और आपस में नए मिनरल्स बनाते हैं। द रॉक्स दस ट्रांसफॉर्म्ड
आर कॉल्ड मेटामॉर्फिक। इस तरह की जो नई तरह की जो सेल बनती है इनसे दोनों के मिलने से वो मेटामॉर्फिक रॉक्स कहलाती हैं। और लगभग 100 ईयर्स का समय इनको बनने में लग जाता है। द मेन एग्जाम्पल आर मार्बल स्लेट क्वार्टराइट ETC। तो ये इनका एग्जाम्पल है। दे आर हार्ड वेदर रेजिस्टेंस रॉक्स, दे कैन नॉट बी इरोडेड ईजीली। ये जो होती हैं वो काफ़ी हार्ड होती हैं और इनको अधिक कठोर और क्रिस्टलाइज्ड होती हैं, इनको आसानी से इरोडेड नहीं होती है। मेटामॉर्फिज्म टेक प्लेस एट ग्रेट डेप्थ इन द अर्थ इंटीरियर। ये जो मेटामॉर्फिकेशन होता है या जो ये कायांतरण या जो बदलाव होता है वो काफ़ी पृथ्वी की आंतरिक गहराई में होता है। अंडर कंडीशन इन इंटेंसिव टेम्परेचर एंड प्रेशर, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर और प्रेशर होता है। दे आर ब्रॉट टू द सरफेस बाय मोमेंट ऑफ डीप विद इन द अर्थ। दे आर रिसाइकल्ड रॉक्स, ये एक तरीके से रिसाइकल्ड रॉक्स होती हैं और इनके कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं मेटामॉर्फिक रॉक्स के। जैसे ओरिजिनल रॉक्स में ये लाइमस्टोन है, वो बदलकर किस में जब कायांतरित होकर या बदलकर किस में कन्वर्ट हो जाता है, मार्बल में। सेल जो है वो स्लेट में कन्वर्ट हो जाती है। ग्रेनाइट गिनेसिस में, सैंडस्टोन क्वार्टराइज में, कोल ग्रेफाइट में और माइका सिस्ट में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, तो इसका इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंट, ग्रेनाइट ग्रेफाइट एंड मार्बल आर ऑब्टेंड फ्रॉम द रॉक्स, इन्हीं रॉक्स से मिलता है ये सब हमको। और ताजमहल जो है वो मार्बल से बना हुआ है। फाइन पाउडर आर डिराइव फ्रॉम द थिक रॉक्स, इनका हमें फाइन पाउडर भी, बारीक पाउडर भी मिलता है। आफ्टर रिफाइनिंग मिनरल्स कैन ईल्ड मेटल लाइक गुड, सिल्वर, कॉपर और एल्यूमिनियम। और जब इनको और अधिक मेटामॉर्फिक उनको रिफाइंड और ईल्ड किया जाता है तो हमें गोल्ड, सिल्वर और कॉपर और एल्यूमिनियम जैसे मिनरल्स मिलते हैं, प्राप्त होते हैं। अब आता है रॉक साइकिल। रॉक साइकिल क्या है, आपको यहाँ दिखाई दे रहा है। द रॉक साइकिल इज़ द चेंज इन टाइप्स ऑफ रॉक्स विद इन सेडिमेंट्री। किस तरीके से ये जो मेटामॉर्फिक सेडिमेंट्री रॉक्स और इग्नियस रॉक्स चेंज होके, आप यहाँ दे रहे हैं इग्नियस रॉक्स जो है वो चेंज होके मेटामॉर्फिक रॉक्स बना रहे। सेडिमेंट्री भी किस में बदल रही है, मेटामॉर्फिक में बदल रही है। इंक्लूड द पोर्स ऑफ वेदरिंग एंड इरोजन, जो अपरदन होता है इनमें, जो इरोजन मीन्स अपरदन, बहाकर चली जाती हैं आ जाती हैं, या जिनके पोर्स हैं जो वो जो प्रोसेस ऑफ वेदरिंग एंड इरोजन, ये मौसम में बदलाव और अपघटन के कारण होता है। इन द कंटिन्यूस प्रोसेस, ये प्रोसेस जो है वो कंटिन्यूस चलती रहती है। रॉक्स आर रिसाइकल एंड कन्वर्टेड इन टू वन और द अनदर फ्रॉम थ्रू वेदरिंग। और ये वेदरिंग के कारण ये लगातार ये प्रोसेस चलती रहती है और ये बदलती रहती हैं। अनदर फ्रॉम वेदरिंग, इरोजन, मेल्टिंग, सॉलिडिफिकेशन एंड चेंज फ्रॉम एन अकाउंट ऑफ प्रेशर एंड हीट। इनमें अपरदन होता है, मेल्टिंग, पिघलती भी हैं और कठोर हो जाती हैं ये और जम जाती हैं। ये सब इनका प्रेशर में इनके बदलाव के कारण होता है कि अंदर से जो हीट प्रेशर होता है वो किस तरीके का है। टर्निंग ओवर द अर्थ रॉ मटेरियल्स एंड मेंटेनिंग इट्स फ्रेशनेस एंड वाइटलिटी डाउन द एजेस। और जो ये निरंतर चलने वाली जो ये प्रक्रिया है एंडलेसली हमेशा चलती रहती है, और अर्थ में जो रॉ मटेरियल है वो अलग कुछ बन करके आगे आ जाता है। सो दैट्स इट, आज के चैप्टर में इतना ही, पूरा एक्सप्लेन हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में आपको आपके इसके क्वेश्चन आंसर मिलेंगे। इनको क्वेश्चन आंसर्स को आपको जैसे मैं PDF भेज रही हूँ उसी फॉर्म में कॉपी में नोट करना। टिल देन बाय।